फरीदाबाद से बड़ी खबर। फरीदाबाद में 9 साल की मासूम से दरिंदगी का मामला सामने आया। रेप की नाकाम कोशिश के बाद हाथ की नस काटी। इलाज के दौरान मासूम की मौत हुई है। मासूम को बक्से में बंद कर बेड में छुपाया गया, तो पड़ोसी किराएदार ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं फरीदाबाद से, जहां मासूम से दरिंदगी का मामला सामने आया है। आरोपी के घर में खून के धब्बे भी मिले हैं। तलाशी के दौरान गंभीर हालत में मासूम मिली, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और साथ ही आपको बता दें कि इलाज के दौरान जहां मासूम की मौत हुई, तो रेप की नाकाम कोशिश के बाद हाथ की नसें काटी और इलाज के दौरान मासूम की मौत हुई है। ये बड़ी और अहम खबर फरीदाबाद से, जहां मासूम को बक्से में बंद करके छुपाया गया, तो वही पड़ोसी किराएदार ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। मंगलवार शाम को मासूम बच्ची लापता हुई थी, जिसके बाद आरोपी के घर में खून के धब्बे दिखने पर शक हुआ और तलाशी के दौरान गंभीर हालत में मासूम बच्ची मिली। उसके बाद इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया। तो फरीदाबाद में 9 साल की मासूम के साथ दरिंदगी का ये मामला सामने आया है। रेप की नाकाम कोशिशों के बाद जहां हाथ की नसें काटी गई और उसके बाद बक्से में बंद करके छुपाया गया, तो वहीं पड़ोसी किराएदार ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मुकेश राजपूत हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश, जिस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, क्या कुछ पूरी अब अपडेट मिल रही है, क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले में की जा रही है? देखिए जागृति, बिल्कुल बताते, कहीं ना कहीं एक शर्मनाक घटना जो है वो फरीदाबाद के सराय थाना इलाके से सामने आई, जहां पर 8 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ जो है वो दुष्कर्म करने की कोशिश की, जिसके बाद जो है लड़की जब चिल्लाने लगी तो उसकी हाथ की नसें काट दी गई और कहीं ना कहीं शोर ना मचाए इसको लेकर के आरोपी ने उस बच्ची को एक लोहे के बक्से में बंद कर दिया, जिसके बाद उस बक्से को बेड के अंदर जो है वो बंद कर दिया था ताकि किसी को पता ना चले। परंतु जैसे ही परिवार के लोगों को पता चली कि लड़की लापता, तो उसके बाद परिवार के लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश की। जैसे परिवार के लोग उसे ढूंढने के लिए आसपास जब देख रहे थे, तो उन्हें पता चला कि जो है आरोप जो पड़ोस में रहने वाले एक जो आरोपी है उसके घर पर जो है वो लड़की जाती हुई देखी थी। जिसके बाद जब जो है लड़की के जो माँ बाप थे जब वहां पर पहुंचे, वहां पर जब जाकर के जब छानबीन की, तो उन्होंने देखा कि उनकी जो कुछ बूंदे हैं वो कहीं ना कहीं वहां पर दिखाई दी। और जिसके बाद परिवार के लोगों ने तुरंत जो है वो बेड को खोल करके देखा, तो उसके अंदर एक लोहे का बक्सा था। जिस बक्से को खोल कर जब परिवार के लोगों ने देखा तो वो भी हैरान रह गए, क्योंकि उनकी जो बेटी थी 8 साल की मासूम बच्ची थी वो उस बक्से के अंदर बंद थी, जिसकी हाथ की नसें भी काट रखी थी और खून जो है वो कहीं ना कहीं बह रहा था। जिसके बाद तुरंत जो है उसे पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी और पुलिस के साथ मिलकर के तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती करा गया, जहां पर अस्पताल से उसे जो है वो सफदर्जन के लिए, क्योंकि हालत काफी खराब थी, क्योंकि खून काफी बह चुका था, तो ऐसे में उसे सफदर्जन के लिए जो है वो रेफर कर दिया गया। हालांकि पुलिस की इसमें देखिए जल्दबाजी इतनी रही कि खुद पुलिस मौके पर तुरंत पहुंची और उसके बाद उस लड़की को सफदर्जन जब लेकर जाना था तो जल्द से जल्द जो SHO जो सराय SHO है उन्होंने बाकायदा गाड़ी को अपनी जो पर्सनल गाड़ी थी उसको पायलट किया और उसके बाद उस लड़की को जल्द से जल्द अस्पताल जो है वो भिजवाया। इसके बाद वहां पर जो है अस्पताल में इलाज के दौरान जो है वो जो 8 वर्ष से जो लड़की है उसकी मौत हो गई। हालांकि जो आरोपी है उसको जो है करीब 10 घंटे के बाद पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार कर लिया। जो आरोपी है वो जो है कोलकाता का रहने वाला है, जो कि फिलहाल जो है सराय थाना इलाके के क्षेत्र में जो है वो रहता था, जिसने कहीं ना कहीं बदनीयत के चलते जो है 8 साल की लड़की को जो है वो घर बुलाया था और उसके बाद जब वो शोर मचाने लगी तो उसके हाथ की नसें काट दी और उसे डरा धमकाने की कोशिश की, जिसके बाद जब लड़की नहीं मानी तो उसने लोहे के बक्से तक में जो है वो बंद कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जो है पॉक्सो एक्ट के साथ साथ जो है धाराओं की जो मौत की जो धारा है यानी कि हत्या की जो धारा है उनके तहत जो है वो मामला दर्ज किया, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। मुकेश, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया कि किराएदार जो है वो पड़ोस में रहता था, तो जिस वक्त जो लड़की थी वो वहां पहुंची, मासूम बच्ची वहां पहुंची, उस दौरान किसी ने बच्ची को वहां जाते हुए नहीं देखा? और दूसरा सवाल ये भी कि जिस दौरान इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, क्या आरोपी उस किराए के मकान में अकेले रहता था? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जो जिस समय लड़की वहां पर गई थी, क्योंकि छोटी 8 साल की बच्ची थी तो वो बहला फुसला करके जो है वो बुलाई गई थी, तो ऐसे में जब परिवार के लोग ढूंढने निकले थे तो तभी जो है जिसने जाते हुए देखा था वो भी कोई पड़ोस का व्यक्ति था, जिसने बताया था कि दूसरे घर की तरफ जो है वो लड़की जाती हुई देखी है, उसके बाद ही जो है परिवार के लोग आरोपी के घर तक पहुंचे। और वही बात करें जो आरोपी जिस मकान में रहता था पड़ोस वाले में,
वहां पर वो जो है नीचे वाले जो है मकान में रहता था, वहां पर कोई और नहीं था, तभी इस वारदात को उसने अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस की तत्परता से जो है वो आरोपी को गिरफ्तार जो है वो कर लिया है। आरोपी पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और शादीशुदा, इसकी जो उम्र है वो भी करीब 30 साल से ऊपर बताई जा रही है। आरोपी जो है वो शादीशुदा भी है, 3 बच्चे भी हैं इसके। फिलहाल जो इसकी बीवी और बच्चे हैं वो कोलकाता में रहते हैं और आरोपी इस घटना को अंजाम देने के बाद जागृति कहीं ना कहीं कोलकाता भागने की फिराक में था, परंतु पुलिस ने जो है उसे जो है वो भागने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।